तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि पबजी ग्लोबल या केआर या वियतनाम जो भी हो, जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपका एक मैसेज शो हो रहा है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। मैं ये कर लिया, ये ट्रिक यूज़ कर लिया, तो इसलिए मैं अभी स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से तो नहीं कर सकता ना। और मैं तभी स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं किया था कि होगा या नहीं होगा ये ट्रिक, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं। तो मैं दिखा दूँ कि ये मैसेज आप लोगों को आ रहा है, आप लोगों में से कुछ लोगों को आ रहा है ये मैसेज। अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड इन विद अ न्यूअर वर्जन ऑफ द गेम एंड कैन नो लॉन्गर लॉग इन विद एन ओल्डर वर्जन, प्लीज़ अपडेट टू द न्यूएस्ट वर्जन। तो ऐसा कुछ मैसेज आपका शो हो रहा है जब आप पबजी ओपन कर रहे हो। तो अब इसका क्या हाल है, क्या सोल्यूशन है? तो मैं ये लेके बहुत ही एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा। तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि ये क्या है, ये एक अपडेट आया है पबजी का, वो इन गेम अपडेट है। हर इन गेम अपडेट तो हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, पर ये जो अपडेट है ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये एक ग्लिच वाला अपडेट है जिसमें एक ग्लिच हो रखा है। ये अपडेट में ग्लिच हो रखा है। और एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप लोग टैप टैप भी ओपन करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। मैं सर्च किया था, ये देख सकते हैं आप लोग पबजी मोबाइल, तो इधर आप लोगों को देखने मिलेगा कि इधर भी नहीं है अपडेट। तो कैसे करें अपडेट? तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है। हाँ, पर आप लोग को एक चीज़ होना चाहिए आप लोगों के मोबाइल में, टेक्स्ट एडिटर या फिर ऐसा कुछ जो कि फ़ाइल को रिप्लेस कर सके, या फिर उस पर कुछ इधर उधर कर सके फाइल को। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना? तो टेक्स्ट एडिटर मैं इसलिए डाउनलोड कर लिया, ये बहुत ही अच्छा है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ यूज़। कुछ ऐसा मोमेंट्स आए थे जिसमें मैं यूज़ किया था ये। तो कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ। पहले तो सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। हाँ, जब आपका वो मैसेज आ रहा है तब VPN या फिर ये DNS वाला जो है 1111, ये भी ऑन ना करें। बस रिसेंट टैब से गेम क्लोज़ कर दीजिए, उसके बाद ये जो मैं बताया ये इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर और कोई टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करिए जो आपका मन चाहे। और उसके बाद आप लोगों को जाना है फाइल मैनेजर। हाँ, और एक बात बता दो कि ये काम बहुत ही रिस्की है, और सबसे ईजीएस्ट वे है और सबसे रिस्की वे है। और एक बात, ये वन एंड ओनली सोल्यूशन है, ठीक है ना? तो इसके बगैर और कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आपका पूरा ID डिलीट हो सकता है या फिर रिमूव हो सकता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा काम ध्यान से करिए, ठीक है ना? तो पहले फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए, मैं दिखा दूँ, अच्छे से दिखा दूँ मैं, ताकि कोई तकलीफ ना हो। फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फ़ोन स्टोरेज, इधर लिखा होगा फ़ोन स्टोरेज, ये वाला ओपन कर लीजिए। और इसके बाद एंड्रॉयड लिखा होगा इधर, ये देख रहे हैं आप लोग, एंड्रॉयड ओपन कर लीजिए। उसके बाद इधर डाटा लिखा होगा, डाटा ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद आप अगर KR का भी कर सकते हैं, अगर आप KR खेल रहे हैं, और ग्लोबल का भी कर सकते हैं आप लोग, और वियतनाम का भी कर सकते हैं आप लोग। तो तीनों वर्षन में ही ये होगा, ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि मैं खुद करके देखा हूँ ये। तो लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है सब। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि डाटा ओपन करने के बाद, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये फाइल मैनेजर पे फ़ोन स्टोरेज पे जाना है पहले, उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद डाटा। अब आपको स्क्रॉल करना है और ढूंढना है कहाँ पे com.tencent.ig लिखा हुआ है, ढूंढना है आपको। ये मिल गया com.tencent.ig। अब इस पर क्लिक करना है, और अगर आप लोग KR यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी मिल जाएगा, इधर का ही मिल जाएगा। और वियतनाम अगर यूज़ कर रहे हैं वियतनाम वर्जन, तो उसका भी मिल जाएगा, वो आप लोग खुद सर्च करके देख लेना। मैं नहीं खेलता हूँ वो वर्जन, तो इसलिए मुझे नहीं पता, पर मैं KR का करके दिखा हूँ। तो अभी KR वाला नहीं मिला है, ठीक है, कोई ना, मैं ग्लोबल का ही दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबका एक ही टाइप है, ये देख सकते हैं आप लोग, com.tencent.ig पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद कैचे होगा इधर, और फाइल्स होगा, सिंपली आपको फाइल्स पे क्लिक करना है, देख सकते हैं फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद UE4 गेम, इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद आएगा शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आएगा शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आएगा सेव्ड, ये है वो ऑप्शन। अब सेव्ड क्लिक करने के बाद इधर कहाँ गया,
इधर आपको ये वाला आएगा src:\ini, src:\ini, ये वाला आएगा। आपको ये ओपन करना है, मैं कर लिया। ये देखिए ओपन करना है डॉक्यूमेंट्स, देख सकते हैं आप लोग, ऑडियो वीडियो फोटो डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है, बाकी सब में नहीं होगा ये तो ओपन नहीं होगा। सो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद फिर टेक्स्ट एडिटर जो कि मैं बताया, या फिर आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे करने वाला हूँ, टेक्स्ट एडिटर से किया। और इधर सी वर्जन, इधर ये वाला है, देख सकते हैं आप लोग जो भी है ये मैं किया था। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। हाँ ये देखिए आपका पहले ये वाला ही रहेगा, इसके बाद आपको ये सीधा सा ऐसे ये पाँच ऐसे डिलीट कर देना है, लास्ट पाँच जो कैरेक्टर या जो नंबर्स है, लास्ट पाँच जो नंबर्स है वो डिलीट करके 9999 ये 5 9s लिखना है। उसके बाद सेव, ये जो राइट का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन ये क्लिक करके आप सेव कर दीजिए। सेव कर देने के बाद सेव हो गया आपका। अब आप सारा टैब्स क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया मैंने। तो उसके बाद पबजी ओपन करते चलिए, एक साथ करेंगे ओपन। इसलिए मैंने ओपन, देखते हैं काम करता है कि नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई ना, आप लोगों का सलूशन करिए। और देख सकते हैं आप लोग मेरा गेम ओपन हो गया, पर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो ये जो आपका आईडी है, जो आपका आईडी है ना, पूरा आईडी डिलीट हो जाएगा, पूरा आईडी रिमूव हो जाएगा। सो इसके जो भी करना ध्यान से करना, और इस पे रिस्क है मैं पहले से बता दे रहा हूँ। सो पूरा वीडियो ठीक ठाक मतलब अच्छे से देख के फिर करना ये, ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।